अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं 10 मरले का ब्रांड न्यू हाउस, जिसकी लोकेशन बहरिया टाउन लाहौर है। इसकी डायमेंशन की बात की जाए तो 35x65 है। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इस घर को तैयार किया गया। वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, मुझे बताइएगा आपको घर कैसा लगा। आगे चल के आपके साथ इसकी प्राइस और अकोमोडेशन शेयर करूंगा। इसका फ्रंट एलिवेशन आप देख सकती हैं, बहुत ही खूबसूरत तैयार किया गया, जिसमें टाइल और अखवाल का कॉम्बिनेशन है। अल्ट्रा मॉडर्न डिजाइन में इस घर को तैयार किया गया। मेरे लेफ्ट साइड पे इसका फ्रंट बाउंड्री वॉल देख सकते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत तैयार किया गया, जिसमें प्लांट्स लगाए गए हैं। राइट साइड पे आप देखें तो इसका कारपोर्ट्स एरिया आ जाता है। 3 कार पार्किंग स्पेस है। कारपोर्ट्स की फ्लोर टाइल देखें तो बहुत ही खूबसूरत लगाई गई है। कारपोर्ट्स की फीचर वाला आप देखें तो बहुत ही जबरदस्त तैयार किया, इसमें टाइल वर्क किया गया, लाइट्स इंस्टॉल की गई है। लेफ्ट साइड पे इसका मेन एंट्रेंस डोर है। और मेरे एक्सट्रीम लेफ्ट पे आप देखेंगे तो इसकी फ्रंट स्पेस आ जाती है, जो कि 10 फिट की है, बहुत ही खूबसूरत तैयार की गई है, प्लांट्स इंस्टॉल किए गए हैं। अगेन इसका फ्रंट एलिवेशन और ये कारपोर्ट्स का सीलिंग डिजाइन आप देख सकते हैं। ये इसका मेन एंट्रेंस डोर है। कारपोर्ट्स के मेन एंट्रेंस डोर से एंटर होंगे, एंटर होते ही आपको मेन एंट्रेंस लॉबी मिलती है। लॉबी का टाइल वर्क देखें तो 2x4 बहुत ही खूबसूरत लगाया गया। ये टीवी लाउंज एंट्रेंस डोर है। लेफ्ट साइड पे ड्राइंग रूम एंट्रेंस डोर है। और राइट साइड पे आप देखेंगे तो स्टेयर्स फर्स्ट फ्लोर पे जा रही है, उसके साथ इसका पाउडर बाथ आ जाता है। ये इसकी लॉबी का फॉल सीलिंग डिजाइन, हैंगिंग लाइट दी गई है। इसके ड्राइंग रूम से एंटर होंगे, ये इसका ड्राइंग रूम आ गया। एंटर होते ही आपको फ्रंट पे फीचर वॉल मिलती है, जिसमें बहुत ही खूबसूरत टाइल वर्क किया गया है। राइट लेफ्ट फैंसी लाइट दी गई है। और लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे तो आपको विंडो मिलती है, जिसमें कर्टन इंस्टॉल्ड है। और फ्लोर टाइल की बात करें तो 2x4 बहुत ही खूबसूरत लगाई गई है। ये इसका फॉल सीलिंग डिजाइन, शैंडलियर आप देखें बहुत ही जबरदस्त लगाया गया, फैन फिटेड है। ड्राइंग रूम और टीवी लाउंज के दरमियान पार्टीशन है, जो कि आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत किया गया, जिसमें आप देख सकते हैं एंटीक पीसेस रखे गए हैं। इसके टीवी लाउंज में चलते हैं, ये इसका टीवी लाउंज आ गया। एंटर होती आपको फ्रंट पे मीडिया वॉल मिलती है, उसके साथ राइट साइड पे दोनों बेडरूम एंटर स्टोर। और मेरे लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे तो इसकी फीचर वॉल बहुत ही जबरदस्त तैयार की गई है। ये इसका फॉल सीलिंग डिजाइन, शैंडलियर इंस्टॉल्ड है, फैन फिटेड है। फ्लोर टाइल की बात करें तो 2x4 क्राड़ा वाइट इंस्टॉल की गई है। और मेरे राइट साइड पे देखेंगे तो इसका किचन आ जाता है, जो कि ग्राउंड फ्लोर का मास्टर किचन है, मोस्टली खवातीन की जो रिक्वायरमेंट होती है। एंटर होते ही राइट साइड पे आपको 3-फेस बंडल मिलता है, हुड, सिंक एरिया, विंडो। और लेफ्ट साइड पे फ्रिज स्पेस, बेकिंग ओवन इंस्टॉल्ड है। और आप देखें कि कबर्ड फुल हाइट इंस्टॉल किए गए हैं। हाई ग्लोस यूवी शीट के साथ इस किचन को तैयार किया गया है। ग्राउंड फ्लोर के फर्स्ट बेडरूम की तरफ चलते हैं, जो कि इस घर का मास्टर बेडरूम है। एंटर होते ही आपको फ्रंट पे बेड की बैक वॉल मिलती है, राइट लेफ्ट वुड वर्क मिलता है, टाइल वर्क किया गया। राइट साइड पे इसकी विंडो आ जाती है, इसमें कर्टन इंस्टॉल्ड है, ये इसका फॉल सीलिंग डिजाइन। और मेरे लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे तो इसकी इन्वर्टेड वार्डरोब आ जाती है। डोर डिजाइन आप देखें तो येलो पाइन वुड के सॉलिड डोर इंस्टॉल किए गए हैं। ये इसकी मीडिया वॉल आ गई। इसके वॉशरूम में चलते हैं, ये इसका वॉशरूम आ गया। एंटर होते ही आपको अमेनिटी मिलती है, 3D लुकिंग ग्लास के साथ हैंगिंग लैंप दिया गया। राइट साइड पे आप देखें तो इसका शॉवर एरिया जाता है, जो कि शॉवर केबल ग्लास पार्टीशन से लगाया गया। ये इसका वॉल हैंगिंग कमोड। ग्राउंड फ्लोर के सेकंड बेडरूम की तरफ चलते हैं, अगेन हम टीवी लाउंज में आएंगे। टीवी लाउंज से एक्सेस है सेकंड बेडरूम की। ये इसका सेकंड बेडरूम आ गया। एंटर होते ही आपका लेफ्ट साइड पे बेड की बैक वॉल मिलती है, जिसमें आप देखें तो वॉल पेपर इंस्टॉल किया गया, वुडवर्क किया गया। इसमें राइट साइड पे इसके इन्वर्टेड वार्डरोब आ जाती है, विंडो कर्टन इंस्टॉल्ड है। ये इसका फॉल सीलिंग डिजाइन, फैन फिटेड है। ये इसका वॉशरूम आ गया। वॉशरूम में एंटर होते ही आपको फ्रंट पे 3D लुकिंग ग्लास के साथ एमेनिटी मिलती है। लेफ्ट साइड पे इसका शॉवर एरिया, जो कि शॉवर पैनल इंस्टॉल किया गया। और ये इसका कमोड। फर्स्ट फ्लोर की तरफ चलते हैं, इस घर की जो डिमांड है 4,85,00,000 है, जो कि प्राइस निगोशिएबल है। विजिट करने के लिए एनी टाइम हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 03004515287। ये इसकी मेन एंट्रेंस लॉबी में आ गई। यहां से स्टेयर्स फर्स्ट फ्लोर पे जा रही है। ग्रेनाइट मार्बल स्टेयर्स पे लगाया गया। राइट साइड पे स्टेयरकेस की बात करें तो सॉलिड वुड की स्टेयरकेस इंस्टॉल की गई है। इसके फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं, ये इसकी फर्स्ट फ्लोर की लॉबी आ गई। लॉबी पे आप देखें तो फीचर वॉल बहुत ही जबरदस्त तैयार की गई है। और ये इसका फॉल सीलिंग डिजाइन, हैंगिंग लैंप दिए गए हैं। फ्लोर टाइल देखिए तो 2x4 सेम टाइल लगाई गई है। ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर की लॉबी की सेम टाइल है। ये इसकी फर्स्ट फ्लोर की एंटर स्टोर। एंटर होती है आपको फ्रंट पे निच मिलती है, जिसमें वॉलपेपर इंस्टॉल किया गया। लेफ्ट साइड पे इसका टीवी लाउंज आ जाता है। टीवी लाउंज की फीचर वॉल आप देखें तो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में तैयार की गई है। राइट साइड पे इसकी मीडिया वॉल आ जाती है, जो कि आप देख सकते हैं बहुत ही जबरदस्त तैयार की गई है। राइट साइड पे दोनों बेडरूम एंटर स्टोर। ये इसका फॉल सीलिंग डिजाइन, फैन फिटेड है, शैंडलियर इंस्टॉल्ड है।
फर्स्ट फ्लोर का आपको किचन दिखाता हूं। ये इसका किचन आ गया। एंटर होते ही फ्रंट पे आपको सिंक एरिया मिलता है। राइट साइड पे थ्री फेस बर्नल हुड। स्लैब की बात करें तो ग्रेनाइट मार्बल की स्लैब इंस्टॉल की गई है। हाई ग्लोस यूवी शीट के साथ इस किचन को तैयार किया गया। फर्स्ट फ्लोर के फर्स्ट बेडरूम की तरफ चलते हैं, जो कि इस घर का तीसरा बेडरूम है फ्रंट वाला। ये इसका फर्स्ट बेडरूम आ गया। एंटर होते ही राइट साइड पे आपको बेड की बैक वॉल मिलती है, जिसमें आप देख सकते हैं बहुत ही जबरदस्त तरीके से इसको तैयार किया गया है। विंडो कर्टन इंस्टॉल्ड है और लेफ्ट साइड पे इसकी इन्वर्टेड वार्डरोब मिल जाती है। डोर डिजाइन फ्लोर टाइल सेम है, 2x4 कड़ा वाइट। ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का फ्लोर टाइल सेम है। ये इसकी वेंडी आ गई। शॉवर एरिया कमोड। फर्स्ट फ्लोर के सेकेंड बेडरूम की तरफ चलते हैं, जो कि इस घर का चौथा बेडरूम है। टीवी लाउंज एक्सेस है। ये इसका फोर्थ बेडरूम और फर्स्ट फ्लोर का सेकेंड बेडरूम। एंटर होते लेफ्ट साइड पे बेड की बैक वॉल है, जिसमें पॉशिश वर्क और वुड वर्क किया गया है। ये इसकी विंडो आ गई, जिसमें कटर इंस्टॉल्ड है। ये इसका फॉल सीलिंग डिजाइन फैन फिटेड है। और राइट साइड पे आप देखेंगे तो इन्वर्टेड वार्डरोब है। फ्लोर टाइल सेम है, 2x4 कड़ा वाइट। इसके वॉशरूम में चलते हैं। ये इसका वॉशरूम आ गया। 3D लुकिंग ग्लास के साथ विंडो को डिजाइन किया गया। राइट साइड पे इसका हैंगिंग वॉल हैंगिंग कमोड। और ये इसका शॉवर है, जो कि ग्लास से पार्टीशन की गई है। फर्स्ट फ्लोर के थर्ड बेडरूम की तरफ चलते हैं, जो कि इस घर का आखिरी बेडरूम है। ये इसका लास्ट बेडरूम, फर्स्ट फ्लोर का थर्ड बेडरूम। एंटर होते फ्रंट पे आपको विंडो मिलती है। राइट लेफ्ट फैंसी लाइट कर्टन इंस्टॉल्ड है। और राइट साइड पे आप देखेंगे तो बेड की बैक वॉल आ जाती है, जो कि बहुत ही जबरदस्त तैयार की गई है। ये इसका फॉल सीलिंग डिजाइन। लेफ्ट साइड पे इसके इन्वर्टेड वार्डरोब आ जाती है। और मेरे एक्सट्रीम लेफ्ट पे आप देखेंगे तो मीडिया वॉल भी बहुत ही जबरदस्त तैयार की गई है। इसके वॉशरूम में चलते हैं। ये इसका वॉशरूम आ गया। एंटर होते ही आपको फ्रंट पे वैनिटी मिलती है 3D लुकिंग ग्लास के साथ। ये इसका कमोड। और शॉवर एरिया आप देखें तो कंसील्ड शॉवर इंस्टॉल किया गया ग्लास पार्टीशन के साथ। इस घर की डिमांड 4,85,00,000 है, जो कि प्राइस निगोशियबल है। विजिट करने के लिए एनी टाइम हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 03004515287। इस दुआ से इस वीडियो का अख्तितम करते हैं। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं, जिनके पास अपने जाती घर नहीं है, अल्लाह पाक अपनी रहमत से उनको अपने घर अता करे। मुझे इजाजत दीजिएगा, अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।